हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार गौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन जॉब्स एंड थ्री मशीन्स पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जॉब सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम के लिए एन जॉब्स एंड टू मशीन्स का सॉल्यूशन देखा था और आज हम देख रहे हैं एन जॉब्स एंड थ्री मशीन्स। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ जॉब्स होती हैं और जो मशीन्स की संख्या होती है वो हमारे पास यहाँ पर तीन मशीन्स होती हैं। हर एक मशीन के लिए, हर एक जॉब का यहाँ पर एक टाइमिंग दिया हुआ है कि पर्टिकुलर कोई भी जॉब उस मशीन पर कितनी देर के लिए यहाँ पे प्रोसेस करेगी, उसका यहाँ पे एक प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ होता है। दोस्तों, एन जॉब्स और थ्री मशीन्स को सॉल्व करने के लिए हम इन मशीन्स को यहाँ पे दो मशीन्स में कन्वर्ट करते हैं और तभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो जाता है एन जॉब्स एंड टू मशीन्स में, और फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं हमारी जॉनसन एल्गोरिथम जिस पे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो दोस्तों, दो मशीन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है, इसमें हम मशीन ए मीन जो हमारी फर्स्ट मशीन है और मशीन सी जो लास्ट मशीन है, इनके लिए जो सामने टाइम दिया हुआ है हर एक प्रोसेस का, हर एक जॉब का, उसका हम यहाँ पे मिनिमम टाइम निकालते हैं। मीन्स हमको यहाँ पे मिनिमम ए आई निकालना है और मिनिमम सी आई निकालना है। और जो सेकेंड मशीन होती है बी, उसके सामने जो हर एक जॉब का टाइम दिया हुआ है उसमें से हमको निकालना रहता है मैक्सिमम। तो दोस्तों, हमको यहाँ से तीन वैल्यू निकालनी है, मिनिमम ए आई, मैक्सिमम बी आई और मिनिमम सी आई। जब ये तीनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन हमको चेक करनी रहती है। पहली कंडीशन ये है कि हमको चेक करना है मिनिमम ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी आई, और एक और कंडीशन जो है सेकेंड वो हमको चेक करनी है मिनिमम सी आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी आई। इन दोनों में से यदि एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तब हम इन तीन मशीन को दो मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ़ नन ऑफ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। दैट मीन्स यदि दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब हम यहाँ पर मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दो में से एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन इज सेटिस्फाई देन वी डिफाइन द टू मशीन जी एंड एच। अगर दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम यहाँ पे दो मशीन को डिफाइन करते हैं जी और एच। अब यहाँ पर जो टाइमिंग दिया हुआ है मशीन ए के सामने, मशीन हर एक जॉब के लिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और मशीन बी पर यहाँ पे हर एक जॉब के लिए टाइम दिया हुआ है, इसी तरह मशीन सी के लिए टाइम दिया हुआ है। तब दोस्तों, यदि दो में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम क्या करेंगे, मशीन ए के लिए जो टाइमिंग दिया हुआ है और मशीन बी के लिए जो टाइमिंग दिया हुआ है इन दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है वो मशीन जी में। इसी तरह मशीन बी और मशीन सी के लिए जो टाइमिंग दिया हुआ है इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मशीन एच में। इस तरह हम तीन मशीन को दो मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है एन जॉब्स एंड टू मशीन्स, और अब हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं हमारी जॉनसन एल्गोरिथम। तब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो यही होगी हमारे पास, अप्लाई जॉनसन एल्गोरिथम फॉर एन जॉब्स एंड टू मशीन टू डिटरमाइन ऑप्टिमल जॉब सिक्वेंस। और दोस्तों, एन जॉब्स एंड टू मशीन्स के लिए जॉनसन एल्गोरिथम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ये हमारे पास उसके थ्योरी फॉर्म है। यहाँ पर हमने कुछ स्टेप देखी थी एन जॉब्स एंड टू मशीन्स के लिए, तो इसको डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा एन जॉब्स एंड थ्री मशीन्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सिक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द फॉलोइंग जॉब्स ऑन थ्री मशीन्स ए बी एंड सी इन द ऑर्डर ए बी सी। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ जॉब्स दी हुई है वो फाइव दी हुई है और जो मशीन दी हुई है वो तीन दी हुई है, ए बी एंड सी, और जो ऑर्डर दिया हुआ है वो है हमारे पास ए बी सी। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे जॉब होगी सबसे पहले मशीन ए पर आएगी, उसके बाद मशीन बी और फिर सी, इस ऑर्डर को हमको यहाँ पर फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमको निकालना है हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीन मशीन दी हुई है, तीन मशीन के लिए हम यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं हमारे एन जॉब्स एंड टू मशीन्स के फॉर्म में। तो दोस्तों, इसके लिए जो अभी हमने स्टेप देखी उनको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमको क्या निकालना रहता है, फाइंड मिनिमम ए आई मैक्सिमम बी आई एंड मिनिमम सी आई। मशीन ए के सामने जो टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पर आप देखिए 8, 10, 6, 7, 11, इसमें से हमको क्या निकालना है, मिनिमम,
तब इसमें से मिनिमम हो गया हमारा 6। सेकेंड मशीन के लिए हमको क्या निकालना रहता है मैक्सिमम, यहाँ से अगर आप देखते हैं तब मैक्सिमम क्या है 6, और लास्ट मशीन से हमको क्या निकालना रहता है मिनिमम, तब आप यहाँ से अगर देखते हैं तब मिनिमम हमको मिलेगा 4। सेकेंड स्टेप में हम चेक करते हैं हमारी दो कंडीशन। पहली कंडीशन जो है वो है हमारे पास मिनिमम ए आई ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम बी आई, और जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारे पास मिनिमम सी आई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी आई। यहाँ पर अगर हम देखें तब मिनिमम ए आई की वैल्यू है 6, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी आई की वैल्यू भी है 6। सेकेंड कंडीशन पर देखते हैं मिनिमम सी आई 4, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी आई 6। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन हमारे पास हो रही है ट्रू, और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये कंडीशन है हमारे पास फॉल्स। यदि दोस्तों यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती तब हम यहाँ पे मेथड को अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए हम तीन मशीन को दो मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यह लिख सकते हैं सिंस वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन वी कैन डिफाइन टू मशीन जी एंड एच। अब इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को हम हमारे एन जॉब्स एंड टू मशीन्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तब दोस्तों जॉब्स हो जाती है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मशीन जी और सेकंड हो जाएगा हमारे पास मशीन एच। अब इन टाइमिंग को हमको मशीन और जी एच में कन्वर्ट करना है, तब हमको करना क्या है मशीन जी के लिए हम क्या करेंगे ए आई और बी आई को ऐड करेंगे, तब यहाँ पर आएगा 8 + 5 मीन्स 13, 10 + 6 16, 6 + 2 8, 7 + 3 10, 11 + 4 15। ये दोस्तों हमने निकाला है हमारा ए आई और बी आई को ऐड करके, ए आई प्लस बी आई। इसी तरह हम एच के लिए निकालेंगे, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम बी आई और सी आई को ऐड करेंगे, तब हमारे पास नीचे मशीन एच के लिए टाइमिंग आ जाएगा 5 + 4 9, 6 + 9 15, 2 + 8 10, 3 + 6 9, 4 + 5 9। अब यहाँ पर हमने मशीन ए और बी के टाइमिंग को ऐड करके मशीन जी के लिए कन्वर्ट कर लिया है, और मशीन बी और सी की टाइमिंग को ऐड करके हमने मशीन एच के लिए कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों अब ये प्रॉब्लम हमारे पास हो गई है एन जॉब्स एंड टू मशीन्स। अब इस पर हमको अप्लाई करना है हमारा जॉनसन एल्गोरिथम। ये हमारी स्टेप थर्ड, और अब हम देखते हैं स्टेप फोर। नाउ अप्लाई जॉनसन्स एल्गोरिथम। तो दोस्तों अब हमको निकालना है हमारा ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास 5 है, तब हम यहाँ पे 5 ब्लॉक बना लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या देखना रहता है कि जो ओवरऑल हमको यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है इसमें से हमको देखना रहता है मिनिमम टाइम। मिनिमम अगर आप देखते हैं यहाँ पर तब आपको मिल रहा है मिनिमम 8,
अब जो हमको यहाँ पे मिनिमम मिला हुआ है, ये हम देखते हैं कि हमको ये मशीन जी के लिए मिल रहा है या मशीन एच के लिए, मीन्स फर्स्ट मशीन के लिए है या फिर सेकंड के लिए। यदि ये फर्स्ट मशीन के लिए है तब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जॉब है वो सबसे पहले आएगी, और यदि ये मिनिमम हमको सेकंड मशीन के लिए मिलता तब उसके करस्पॉन्डिंग जो भी जॉब होती वो लास्ट में प्रोसेस होती। तो अभी ये जो हमको मिनिमम 8 मिल रहा है ये हमारी फर्स्ट मशीन के लिए मिल रहा है, इसलिए जॉब नंबर जो 3 है वो सबसे पहले प्रोसेस होगी। अब हमने जॉब नंबर 3 को सीक्वेंस असाइन कर दिया है, इसलिए यहाँ से इसको हम क्रॉस आउट कर देते हैं। अब रिमेनिंग जॉब के लिए हम देखते हैं मिनिमम। तब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनिमम हमको मिल रहा है 9, लेकिन 9 यहाँ पे है 3 बार, मीन्स 9 में यहाँ पे टाई हो रहा है, और वो भी मशीन एच के लिए। अब सेकेंड मशीन के लिए यहाँ पे टाई हो रहा है तब हम क्या देख करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हम मशीन जी का टाइमिंग देखेंगे। यहाँ पे 9 के करस्पॉन्डिंग है 13, यहाँ पे 9 के करस्पॉन्डिंग है 10, और यहाँ पे 9 के करस्पॉन्डिंग है 15। अब इन तीनों में से मिनिमम कौन है, मिनिमम है यहाँ पे 10। तब ये जो नंबर है मीन्स जो जॉब नंबर 4 है ये सबसे लास्ट में प्रोसेस होगी। तब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो मिनिमम हमको मिल रहा है वो यहाँ पे 9 है, क्यों, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो मशीन जी का टाइम है वो मिनिमम है, इसलिए हम इस 9 को सबसे पहले कंसिडर करेंगे। अब ये जो 9 है वो मशीन एच के लिए है, सेकेंड मशीन के लिए है, इसलिए जॉब नंबर 4 सबसे लास्ट में प्रोसेस होगी। अब जॉब नंबर 4 को भी हमने सिक्वेंस असाइन कर दिया, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो फिर से मिनिमम हमको क्या मिल रहा है, 9, फिर से यहाँ पे टाई हो रहा है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 15 है, मिनिमम क्या है 13। तब हम इस वाले 9 को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब ये 9 फिर से मशीन एच के लिए है, तब ये जो जॉब है जॉब नंबर 1 ये लास्ट में आ जाएगी, तब यहाँ पे जॉब नंबर 1 लास्ट में आ जाती है, और जॉब नंबर 1 को भी हमने सिक्वेंस असाइन कर दिया इसलिए यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद फिर से मिनिमम देखते हैं, तब हमारे पास आ रहा है 9, ये भी हमारे सेकंड मशीन के लिए निकल रहा है, और जॉब नंबर जो 5 है वो लास्ट में जाएगा। इस तरह जॉब नंबर 5 को भी हमने सीक्वेंस असाइन कर दिया है, ये भी क्रॉस हो जाती है। अब हमारे पास एक ही जॉब बची हुई है जॉब नंबर 2, तब वो यहाँ पे आ जाती है, और इस तरह इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सारी जॉब्स को हमने यहाँ पे सीक्वेंस असाइन कर दिया है, यही है हमारा ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। दैट मीन्स सबसे पहले जॉब नंबर 3 प्रोसेस करेगी, उसके बाद 2, फिर 5, फिर 1, और लास्ट में आएगी हमारी जॉब 4। तो फ्रेंड्स ये जो हमने ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस निकाला है, ये हमने निकाला है हमारा जॉनसन एल्गोरिथम से, और इसके लिए मैंने प्रीवियस में एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है जिसमें मैंने थ्योरी के साथ सारे केसेस को अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस निकालने के बाद हम देखते हैं हमारा टोटल इलेप्स्ड टाइम। अब सीक्वेंस निकालने के बाद हम निकालेंगे हमारा टोटल इलेप्स्ड टाइम। तो दोस्तों जो जॉनसन एल्गोरिथम होती है वो सिर्फ हम जॉब सीक्वेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं, इसके बाद जो आपको टोटल इलेप्स्ड टाइम निकालना है उसके लिए आपको तीनों मशीन को लेना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी जॉब सीक्वेंस। जॉब सीक्वेंस हमको मिला है यहाँ पे 3, 2, 5, 1 एंड 4। अब इस सीक्वेंस के लिए हमको यहाँ पे मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी का टोटल इलेप्स टाइम निकालना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तब जॉब नंबर 3 सबसे पहले है, जॉब नंबर 3 सबसे पहले है, और ये स्टार्ट करेगी अपना टाइमिंग 0 से। जॉब नंबर 3 का मशीन ए पर टाइमिंग कितना है, जॉब नंबर 3 का मशीन ए पर टाइम है 6, तब 0 प्लस 6 6। अब मशीन बी पर ये आएगा 6 पर, ये सारा टाइमिंग हमको आवर्स में दिया हुआ है। अब मशीन बी पर जो स्टार्टिंग होगी वो 6 से होगी। जॉब नंबर 3 का मशीन बी पर टाइमिंग है 2, तब 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। अब मशीन सी स्टार्ट होगी 8 से, जॉब नंबर 3 का मशीन सी पर टाइमिंग है 8, 8 प्लस 8 16। अब इस तरह जॉब नंबर 3 ने मशीन ए पर अपना काम कर लिया है पूरा, पहले ए पर, फिर बी पर और फिर सी पर। अब इसके बाद मशीन पर जॉब नंबर 2 आएगी। अब मशीन ए जो है वो 6 आवर पर फ्री हो रही है, तब यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट होगी 6 से। अब जॉब नंबर 2 मशीन ए पर टाइमिंग ले रही है 10 आवर का, 6 प्लस 10 यहाँ पर हो जाएगा 16। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना रहता है, जैसे मशीन जो ए है वो 16 आवर पर फ्री हो रही है, लेकिन जो मशीन बी है वो ऑलरेडी 8 आवर पर फ्री हो चुकी है। इसका मतलब मशीन ए यहाँ पर
जब स्विच करेगी, मीन जब जॉब नंबर टू मशीन ए के बाद मशीन बी पर स्विच करेगी, तो वो 16 आवर से स्विच करेगी। और यहाँ पर जो मशीन बी है उसको यहाँ पे 8 से लेकर 16 तक का वेट करना रहेगा। तब यहाँ पर 16 से मशीन बी स्टार्ट करेगी जॉब नंबर टू के लिए। जॉब नंबर टू का मशीन बी पर टाइमिंग है 6 आवर का, 16 + 6 ये आ जाएगा 22। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से वही केस है कि जो मशीन बी है वो 22 आवर पर फ्री हो रही है और मशीन सी ऑलरेडी 16 आवर पर फ्री हो चुकी है। तब यहाँ पे मशीन सी को फिर से वेट करना पड़ेगा और जो मशीन सी है वो अपना टाइम स्टार्ट कर पाएगी 22 से, क्योंकि जॉब नंबर टू 22 आवर पर फ्री हो रही है, उसके बाद ही वो मशीन सी पर स्विच कर पाएगी। अब यहाँ पे जॉब नंबर टू का मशीन सी पर टाइमिंग है 9, तब 22 + 9 31। इसके बाद जॉब नंबर फाइव, अब जॉब नंबर फाइव मशीन ए पर 16 से अपना टाइम स्टार्ट करेगी। जॉब नंबर फाइव का मशीन ए पर टाइमिंग है 11 आवर का, तब 16 + 11 ये आ जाएगा हमारा 27। अब यहाँ पे मशीन बी ऑलरेडी फ्री हो चुकी है लेकिन मशीन ए 27 पर फ्री हो रही है, तब जॉब नंबर जो फाइव है वो मशीन बी पर अपना टाइमिंग 27 से स्टार्ट करेगी। यहाँ से जो भी मैक्सिमम होता है 27 और 22 इस तरह यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम। इसी तरह जब हमने यहाँ से देखा था 22 और 16 से, तो 22 यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पे 27 से स्टार्ट करेगी जॉब नंबर फाइव। जॉब नंबर फाइव का मशीन बी पर टाइमिंग है 4, 27 + 4 31। अब यहाँ पे मशीन बी भी 31 पर फ्री हो रही है और मशीन सी भी 31 पर फ्री हो रही है, तब कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 31 आ जाएगा। जॉब नंबर फाइव का मशीन सी पर टाइमिंग कितना है 5, 31 + 5 36। इसके बाद जॉब नंबर वन, मशीन ए फ्री हो रही है 27 पर। जॉब नंबर वन का मशीन ए पर टाइमिंग है 8 आवर का, तब 27 + 8 35। अब यहाँ पे मशीन बी फ्री हो चुकी है 31 पर, लेकिन मशीन ए पर 35 पर फ्री हो रही है जॉब वन, तब यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम क्या होगा उसका 35। 35 और 31 में से मैक्सिमम 35। अब मशीन बी पर जॉब नंबर वन का टाइमिंग कितना है? मशीन बी पर जॉब नंबर वन का टाइमिंग है 5, 35 + 5 ये आ गया यहाँ पे 40। अब मशीन सी ऑलरेडी फ्री है लेकिन मशीन बी से जॉब नंबर वन फ्री हो रही है 40 पर, तब यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट होगा 40 से। जॉब नंबर वन का मशीन सी पर टाइमिंग कितना है? 4 आवर, 40 + 4 44। अब लास्ट में देखते हैं जॉब नंबर फोर। जॉब नंबर फोर यहाँ से मशीन ए पर स्टार्ट करेगी अपना टाइमिंग 35 से। जॉब नंबर फोर का मशीन ए पर टाइमिंग है 7 आवर, तब 35 + 7 42। अब यहाँ पे मशीन बी फ्री है 40 पर लेकिन मशीन ए फ्री हो रही है 42 पर, तब जॉब नंबर फोर टाइमिंग स्टार्ट करेगी अपना 42 से। जॉब नंबर फोर का मशीन बी पर टाइमिंग है 3 आवर्स का, 42 + 3 45। अब यहाँ पर ये स्टार्ट करेगी अपना 45 से, तब जॉब नंबर फोर का मशीन सी पर टाइमिंग है 6, 45 + 6 51। तो ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आती है यही हमारे पास क्या रहता है? टोटल इलेप्स टाइम, ये निकल कर आ रहा है 51 आवर। अब हम बात करते हैं आइडल टाइम ऑन मशीन्स। सबसे पहले देख लेते हैं मशीन ए के लिए। मशीन ए के लिए अगर आइडल टाइम देखते हैं, तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 + 6 कंटिन्यू है, 6 + 16, 16 + 27, 27 + 35, 35 + 42 यहाँ तक ही कंटिन्यू है। लेकिन जो टोटल हमारा टाइम है 51 तक है, तब 42 से 51 आवर तक इसने क्या किया है? वेट किया है, मतलब इस टाइम तक ही फ्री रही है, इसलिए यहाँ पर इसका टाइम कितना हो गया 42 + 9, दैट मीन्स 9 आवर का यहाँ पे ये आइडल टाइम रही है। इसी तरह हम निकालते हैं मशीन बी का। मशीन बी के लिए देखते हैं, तब मशीन बी ने अपना काम स्टार्ट किया है 6 से, तब 6 आवर ये सबसे पहले आइडल रही है, फिर 6 से 8,
यहाँ तक कंटिन्यू चली है। अब 8 से 16 तक यहाँ पर ये फिर से आइडल रही है। 8 से 16 तक यहाँ पर इसने वेट किया हुआ है, तब 8 आवर का वेट यहाँ पर हो गया इसका, प्लस 16 से 22। अब 22 से 27 तक फिर इसने वेट किया है, तब ये हो गया हमारा 5 आवर, प्लस 27 से 31। 31 से 35 तक फिर वेट हुआ है 4 आवर का, प्लस 35 से 40, और 40 से फिर 42 तक 2 आवर का वेट हुआ है। फिर 45 तक चली हुई है, और 45 से 51 तक फिर से यहाँ पर वेट किया है 6 आवर का। तो इस तरह अगर हम इसको पूरे को टोटल करते हैं, तब ये वैल्यू निकल कर आ रही है 31 आवर्स। इसी तरह देखते हैं हम मशीन सी के लिए। मशीन सी ने अपना काम स्टार्ट किया है 8 आवर्स से, मींस सबसे पहले 8 आवर्स तक ये आइडल रही है, फिर 8 से 16 कंटिन्यू, अब 16 से 22 तक इसने वेट किया है, मींस यहाँ पर इसका टाइमिंग हो गया है 6 का। 16 से 22 तक 6 आवर इसने वेट किया है, फिर 22 से 31, 31 से 31, 36 कंटिन्यू है, फिर 36 से 40, 4 आवर का फिर से यहाँ पे वेट हुआ है, प्लस 40 से 44 कंटिन्यू, 44 से 45 1 आवर का फिर से यहाँ पे, 1 आवर का फिर से यहाँ पे वेट हुआ है, फिर 45 से 51। तो दोस्तों ये इसका टोटल अगर हम निकालते हैं, तब ये आ रहा है 19 आवर्स। और इसके साथ ही अगर हम पूरे सिस्टम का आइडल टाइम निकालते हैं, आइडल टाइम ऑफ सिस्टम, तब यहाँ पे जितनी भी मशीन्स हैं उन सबके जो आइडल टाइम होते हैं उनको हमको टोटल करना रहता है। तब मशीन ए का आइडल टाइम, मशीन बी का आइडल टाइम और मशीन सी का आइडल टाइम, इसको अगर हम टोटल करते हैं तब ये वैल्यू निकल कर आ रही है 59 आवर। ओके दोस्तों, तब ये है हमारे पास आज की प्रॉब्लम एन जॉब्स एंड 3 मशीन, जिसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हमारे एन जॉब्स एंड 2 मशीन्स में, और उसके बेस पर हम निकालते हैं हमारा ऑप्टिमल जॉब सीक्वेंस। और जॉब सीक्वेंस निकालने के बाद फिर हम हमारे यूजुअल मेथड से हर एक मशीन के लिए यहाँ पे उसका टाइम इन और टाइम आउट निकालते हैं, जिससे हम हमारा टोटल इलेप्स टाइम निकाल लेते हैं, और इसके बेस पर हम हमारा देख लेते हैं हमारा हर मशीन का आइडल टाइम। ओके दोस्तों, यदि आपको आज के मेरे वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और अगर आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।